आपका लड़की का शादी हो या शादी में जाना हो या कोई फेस्टिवल में, ज़्यादातर महिलाओं के लिए ज्वेलरी की ज़रूरत होता है, जैसे गोल्ड चेन, गोल्ड ईयर रिंग्स, गोल्ड नेकलेस, डायमंड चेन, डायमंड नेकलेस और सिल्वर पायल्स एंड सिल्वर रिंग्स और प्लैटिनम रिंग्स की ज़रूरत होता है। और कोई जैसे रिंग सेरेमनी हो उसमें भी हमें गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम का रिंग्स का ज़रूरत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी शंकर, आपको हेमर ट्रेडर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक ज्वेलरी आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपकी छोटी सी प्रयास से हमें और मजबूत बनाता है। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हम आज बात करने वाले हैं मोतीसन ज्वेलरी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कंपनी कितने सालों से बिजनेस पर है, कंपनी क्या सेल करता है, कंपनी का आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग डे में कंपनी का कितना प्राइस, स्टॉक प्राइस रहेगा, आज सब उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कंपनी 1997 में एज ए पार्टनरशिप फर्म में अपना बिजनेस शुरू किया, कहाँ पर, जयपुर राजस्थान, मोतीसन ज्वेलरी के नाम पर। उसके बाद कंपनी 2011 में कन्वर्टेड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अपना एक स्टोर बनाया। उसके बाद कंपनी अपना फोर स्टोर बनाया, कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में, एज ए कंप्लीटली ज्वेलरी रिटेल चेन। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि कंपनी एक कंप्लीटली ज्वेलरी रिटेल चेन सेलर है, अपना स्टोर बना के अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। कंपनी 1997 मतलब कंपनी 26 प्लस ईयर से अपना बिजनेस कर रहा है और कंपनी क्या सेल करता है आज भी उसी के ऊपर बात करेंगे। कंपनी गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी का मतलब स्टोन वर्क ज्वेलरी, पर्ल और अदर मेटल्स कंपनी सेल करता है। उसके बाद कंपनी का जो मोटो है, कंपनी कैसे अपना बिजनेस को डेवलप करता है। कंपनी हमें वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड कॉम्बिनेशन ज्वेलरी डिजाइन हमें ऑफर करता है और कंपनी के पास 3 लाख से ज़्यादा डिजाइन मौजूद है। कंपनी अपना रिसेंटली अपना आईपीओ लॉन्च किया है और लॉन्च होने के बाद दिसंबर 18 को ओपन होने वाला है। दिसंबर 18 में ओपन होगा, दिसंबर 20 में अपना आईपीओ क्लोज हो जाएगा। कंपनी अपना 2.75 करोड़ शेयर्स के बदले 2.75 करोड़ शेयर के बदले 151 करोड़ रेस करने वाला है। जो कंपनी का ब्रांड प्राइस है 52 to 55 रुपीस, लॉट साइज 250, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 मीन्स 1 लॉट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख मीन्स 14 लॉट और रिटेल इन्वेस्टर। और कंपनी अपना शेयर से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए 50% रिजर्व रखा हुआ है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए 15% रिजर्व रखा हुआ है और रिटेलर के लिए 35% रिजर्व रखा हुआ है। और कंपनी का फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 542 करोड़ है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
इज इक्वल टू 3.32, मतलब ए वन लेस देन वन इज गुड, बट यहाँ पर डेप्ट कंपनी का जो डेप्ट है वो ज्यादा है। फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10, ये अच्छा है। और पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 17.32, ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 3.42। फंडामेंटल से पता चलता है कि बाकी सब ठीक है, जैसे मार्केट क्या 542 करोड़ है, माइक्रो स्मॉल कंपनी है, फेस वैल्यू 10 है, आने वाले समय में ज्यादा शेयर हमको दिखने मिल सकता है, पी रेशियो भी बहुत अच्छा है और ईपीएस 3.42 है अपना, और इक्विटी शेयर आन कर रहा है। और डेप टू इक्विटी रेशियो से ये इसमें इन्वेस्ट करना हमें रिस्की हो सकता है। और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो FY22 में कंपनी 18.52 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, और जो FY23 में कंपनी नेट जो टू क्वार्टर्स का भी डेटा है 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया हुआ है। कंपनी अभी प्रॉफिट में है, ये अच्छा है, मगर कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।